आधुनिक समय में घर का खर्च चलना काफी कठिन हो गया है। ऐसे में बच्चों की देखभाल करना, उनके माता पिता की जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाना काफी कठिन है। शहरों में घर का खर्च चलने के लिए दोनों ही नौकरी करते हैं और इसी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते, इसलिए वो ये जिम्मेदारी दादा दादी के ऊपर डाल देते हैं। पर 2012 पुणे की इस याचिका पर फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी को दादा दादी के ऊपर नहीं डाल सकते। बच्चे के माता पिता को यह नहीं समझना चाहिए कि दादा दादी उनके बच्चों के बेबी सिटर हैं, पोता पोती दादा दादी के लिए बोझ नहीं बनाना चाहिए। यह बात पुणे फैमिली कोर्ट ने कही है। दरअसल फैमिली कोर्ट में पुणे की एक 40 साल की महिला ने भरण पोषण के लिए अपील दायर की थी। महिला ने कहा कि सास ससुर उसके बच्चे के देखभाल नहीं करते, इसलिए वह अपने बच्चे को क्रेश में रखने को मजबूर है। उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करते है और महिला भी नौकरी करती है। उसका कहना था कि सास ससुर उसके बच्चों की देखभाल करे। उसकी इस बात पर अदालत ने उसे फटकार लगाए। नहीं बना सकते बुजुर्गों पर दबाव। कोर्ट ने कहा कि अपने बच्चों की देखरेख करना माता पिता का दायित्व है, न कि दादा दादी या नाना नानी का। वे लोग घर के बड़े होने के नाते माता पिता को सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं और बच्चों को पालने पोसने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उनके ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहिए। दादा दादी या नाना नानी को बेबी सिटर नहीं बनाया जा सकता। उन पर इस बात का दबाव भी नहीं बनाया जा सकता कि वह अपने आराम, मनोरंजन और यात्राएं छोड़कर अपने पोता पोती की देखभाल करें।